स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी इनर बॉर्डर स्पेसिस के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी है। हम इसमें पहले इस इनइक्वालिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी हमें बताती क्या है, और फिर हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, लेट यू एंड वी बी द एलिमेंट्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ओवर फील्ड आर, देन रिजल्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, दिस इज लेस और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाई नॉर्म ऑफ वी। यू और वी कोई से दो एलिमेंट्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के, और वो जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसमें जो फील्ड है वो आर है। तो यू वी के इनर प्रोडक्ट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस और इक्वल होगी नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी के। इसका हम प्रूफ देखते हैं। सो हमने जो प्रूफ करना है उसमें हमारे पास दो वैक्टर हैं यू और वी, और जैसे कि स्टेटमेंट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये वेक्टर ज़ीरो नहीं हो सकते, यानी कि नॉन ज़ीरो हैं, तो हम केस दो बना लेते हैं। पहले केस में हम ये डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो है। लेट इफ वन ऑफ देम, यानी जो यू और वी हैं उनमें से कोई एक ज़ीरो है, हमने लेट कर लिया कि जो वी वेक्टर है वो ज़ीरो के इक्वल है, देन जो इनर प्रोडक्ट होगा यू और वी का, इसको फिर हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड ज़ीरो, और ये जो ज़ीरो है इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय लेट सम वेक्टर डब्ल्यू। तो जो थर्ड एक्सियम होता है या फोर्थ एक्सियम इनर प्रोडक्ट स्पेस का, जिसमें स्केलर्स बाहर आकर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये ज़ीरो बाहर आकर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा यू इंटू डब्ल्यू, और ज़ीरो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। और जो हमारी राइट हैंड साइड थी इनइक्वालिटी की, नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी, इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं नॉर्म ऑफ यू और ये नॉर्म ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो का नॉर्म वो हमें पता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो। सो इनर प्रोडक्ट और ये जो नॉर्म्स का प्रोडक्ट है ये इक्वल आ गया। सो हमें पता चला कि अगर दोनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर भी ज़ीरो के इक्वल है तो जो इनइक्वालिटी में इक्वालिटी आ रही है वो इक्वालिटी होल्ड करती है। अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं जिसमें हम दोनों वेक्टर्स को नॉन ज़ीरो लेते हैं, दोनों में से कोई एक ज़ीरो या दोनों ज़ीरो लेके हम ये इजीली प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमने एक को ज़ीरो लेके प्रूफ किया कि इक्वालिटी होल्ड करती है, अब हम इनइक्वालिटी को प्रूफ करने की तरफ चलते हैं, और हम सपोज करते हैं कि जो दोनों वेक्टर यू और वी हैं वो दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। सो केस टू है हमारा, फिर लेट यू और वी ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, देन हम एक स्टेटमेंट लेते हैं कंसीडर। बेसिकली वो स्टेटमेंट क्या होगी, उसमें हम इन नॉर्म ले रहे होंगे लेट यू माइनस टी वी। ये जो टी है ये फील्ड में से है, आर में से है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस टी वी। तो इनर प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें, नॉर्म ऑफ यू माइनस टी वी नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करें, तो ये बनेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस टी वी विद यू माइनस टी वी, और इसका स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर देते हैं। नॉर्म ऑफ यू माइनस टी वी इज़ इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस टी वी विद यू माइनस टी वी। अब इधर स्केयर आ गया, हमें पता है जो स्केयर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ज़ीरो लेस और इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस टी वी का स्केयर, दिस इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस टी वी विद यू माइनस टी वी। तो इनर प्रोडक्ट का जो एक्सियम नंबर फोर है डेफिनेशन में,
इसमें आप स्केलर्स को अलग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स की, वो अप्लाई करते हुए क्या होगा, यू का प्रोडक्ट आ जाएगा यू के साथ, कि ये माइनस का है, माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी विद यू, इन दोनों को हमने यू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को टी वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड टी वी, दोनों माइनस के हैं तो प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वी एंड टी वी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू, तो ये होता है नॉर्म ऑफ यू का स्केयर, क्योंकि जो किसी भी वेक्टर का उसके साथ इनर प्रोडक्ट का स्केयर रूट वो नॉर्म के इक्वल होता है। दोनों तरफ स्केयर अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो यू का यू के साथ जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, वो नॉर्म ऑफ यू का स्केयर, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, माइनस स्केलर बाहर इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू, माइनस यहाँ से भी स्केलर बाहर टी इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, प्लस दो स्केलर हैं, दो दफ़ा आ रहा है, टी इधर भी है टी इधर भी है, दोनों से टी कॉमन, तो मतलब टी स्केयर बन जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड वी। नाउ गिवन है हमें कि जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, सो जो यू वी के कॉन्जुगेट का जो इनर प्रोडक्ट होगा या इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट वो यू वी के इक्वल ही आएगा। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है थर्ड प्रॉपर्टी जो इनर प्रोडक्ट की, कि यू वी का इनर प्रोडक्ट ये इक्वल है वी यू के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के, और रियल के केस में जो वी यू का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट है ये बेसिकली वी यू के इक्वल ही है। सो यहाँ पर यू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी आ रहा होगा, वहाँ पर आप इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू लिख सकते हैं, और जहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू होगा वहाँ पे हम इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ यू स्केयर माइनस टी इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, माइनस टी इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, प्लस टी स्केयर नॉर्म ऑफ वी स्केयर, ये दोनों सेम हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, नॉर्म ऑफ यू स्केयर माइनस टू टी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, प्लस टी स्केयर इंटू इनर नॉर्म ऑफ वी का स्केयर। सो नाउ हम कंसीडर करते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि टी एक रियल नंबर है, हम टी को एक नंबर की वैल्यू अलॉट कर देते हैं, हम लेट कर लेते हैं लेट टी इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी अपॉन नॉर्म ऑफ वी का स्केयर, देन इस वैल्यू को टी को हम जहाँ जहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में टी आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें आगे क्या वैल्यू मिलती है। सो हमने टी की वैल्यू पुट की और फिर हमें मिला यहाँ पे, ऊपर वाली इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा नॉर्म ऑफ यू का स्केयर माइनस टू इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी अपॉन नॉर्म ऑफ वी स्केयर मल्टीप्लाइड बाई इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, प्लस टी की वैल्यू पुट की, टी पर स्केयर था तो यहाँ पर भी यू वी का इनर प्रोडक्ट का स्केयर, और जो नॉर्म ऑफ वी का स्केयर था वो नॉर्म ऑफ वी की पावर फोर हो जाएगा, और इसके साथ भी नॉर्म ऑफ वी का स्केयर पड़ा हुआ है, तो ये नॉर्म ऑफ यू स्केयर माइनस टू ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्केयर डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ वी का स्केयर, ये दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी स्केयर डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ वी का स्केयर, तो माइनस टू में से इसको ऐड किया तो नॉर्म ऑफ यू स्केयर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी स्केयर डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ वी स्केयर। और हमें पता है कि अगर हम किसी एक ए स्केयर की वैल्यू फाइंड करें या ए की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर फाइंड करें ये सेम आएगा, इस चीज़ को यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, नॉर्म ऑफ यू स्केयर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्केयर दिस ओवर नॉर्म ऑफ वी स्केयर। अगर हम कंबाइन करें तो हम पीछे चेक कर चुके हैं कि क्योंकि नॉर्म था स्केयर था तो वो नॉन नेगेटिव था, यानी पिछले हम देख चुके हैं जीरो लेस आर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ
यू स्केयर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी स्केयर अपॉन नॉर्म ऑफ वी स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें नॉर्म ऑफ वी स्केयर से, तो मिलेगा नॉर्म ऑफ वी स्केयर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो लेस आर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर मल्टीप्लाइड बाई नॉर्म ऑफ वी स्केयर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर, ये ज़ीरो हो जाएगा, लेस आर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर इंटू नॉर्म ऑफ वी स्केयर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू है यू वी का इनर प्रोडक्ट और फिर उसका स्केयर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, स्केयर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज लेस आर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर इंटू नॉर्म ऑफ वी स्केयर। दोनों तरफ अगर हम स्केयर रूट अप्लाई कर दें तो दोनों ये तीनों स्केयर्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें मिलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज लेस आर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी, जो कि हमारी काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट थी कि यू और वी कोई से दो वेक्टर हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के, तो यू वी वेक्टर्स के इनर प्रोडक्ट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस आर इक्वल होगी नॉर्म ऑफ यू और नॉर्म ऑफ वी के प्रोडक्ट से। तो इसकी हमने दो केस बना के इसको प्रूव किया। पहले केस में हमने देखा कि अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो हैं तो इक्वालिटी होल्ड करती है, और अगर दोनों ही नॉन ज़ीरो होंगे तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। और ये जो इनइक्वालिटी है ये इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, यानी ये बताती है कि अगर कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसके आप दो एलिमेंट उठाएँ तो वो इस इनइक्वालिटी को लाजमी सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आपको दो वेक्टर ऐसे मिल जाते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते, इसका मतलब है वो जिस स्पेस से आप वेक्टर ले रहे हैं वो जो स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं। थैंक यू।